इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं इस कोस्को के CBX 320 बैडमिंटन रैकेट का। जी हाँ दोस्तों, इसकी काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आई थी आप लोगों की, कोस्को के CBX 320 बैडमिंटन रैकेट को परचेज करके उसका रिव्यू कीजिए। तो ये रहा रैकेट, आ चुका है, तो फटाफट से इसको हम निकालने वाले हैं और इसकी करने वाले हैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। एक्चुअली अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है आपको पता है आजकल की सिचुएशन की वजह से, तो फटाफट से इसको फटाफट से निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हे दोस्तों, मैं वर्षित और स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स हुकोटी यूट्यूब चैनल पे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, लाइक कर दो, लाइक करना फ्री है, और शेयर भी कर दो। जितने ज्यादा आप शेयर करोगे उतने ज्यादा प्रोडक्ट का रिव्यू करके मैं गिव अवेज कर पाऊंगा, तो शेयर करो, लाइक करो। सो गाइस, ये रहा हमारा कोस्को का CBX 320 बैडमिंटन रैकेट। तो सबसे पहले मैं बात करूँ इसके कवर की। सो गाइस, पर्सनली कवर मुझे इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, राइट। बाहर से क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी प्रीमियम सा लुक इन्होंने दिया हुआ है इस कवर का। सो कवर वाइज तो मैं इस रैकेट को थम्स अप देना चाहूँगा, गारंटेड, राइट। सो अब फटाफट से मैं आप सभी को यहाँ पर कहना चाहूँगा कि फोम पैडिंग वाला कवर दिया हुआ है। हालांकि जो स्ट्रैप है, स्ट्रैप की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बहुत ही पतला सा छोटा सा स्ट्रैप है, बट स्टिल जो कवर प्रोटेक्शन देता है आपके रैकेट को वो अच्छा है, तो उस हिसाब से थम्स अप। सो अब फटाफट से इसको निकाल लेते हैं। सो कवर, यहाँ पर स्ट्रैप को छोड़ के कवर बहुत ही अच्छा है पर्सनली, मुझे लगता है जहाँ तक कवर की क्वालिटी मुझे काफ़ी पसंद आई है, ये चीज़ मैं आप सभी से बताना चाहूँगा। डिज़ाइनिंग और क्वालिटी दोनों ही अच्छी है, फोम पैडिंग वाला कवर इसमें आपको मिल जाता है। अब कवर को रखते हैं साइड में। सो ये है हमारा रैकेट यार, लाइक कर दो, लाइक करना फ्री है, लाइक करने के कोई पैसे नहीं लगते, तो कर दो लाइक, देख क्या रहे हो। और हमने इसको लिया निकाल। सो गाइज, हेयर वी हैव द कोस्को CBX 320, मसल टेक इसका नाम है, कोस्को मसल टेक CBX 320 बैडमिंटन रैकेट। सो गाइज, सबसे पहले मैंने इसको जैसे ही हाथ में लिया और मुझे काफ़ी प्रीमियम सी फील आई, बट इम्प्रेस गाइज, फर्स्ट लुक में इस रैकेट ने पर्सनली मुझे इम्प्रेस कर दिया है, क्योंकि यार बहुत ही अच्छी क्वालिटी लग रही है, फिनिशिंग एकदम स्मूथ है, ये तो योनेक्स को टक्कर दे रहा है। सो फटाफट से इसका जो ये टैग सा है इसको रिमूव करते हैं। पहले देखते होंगे कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये बैडमिंटन रैकेट है, और वेट भी मुझे इसका काफ़ी लाइट वेट सा ही फील हो रहा है, तो चलो एक बार वेट करके देखते हैं कि कितना इसका वेट है। आप देख सकते होंगे अब हम वेट कर रहे हैं जो है कोस्को का मसल टेक CBX 320 बैडमिंटन रैकेट, राइट, जैसे कि आप यहाँ देख ही सकते होंगे। और ये जो रैकेट है इसका बेसिकली जो वेट है वो यहाँ पर निकल के आ रहा है 92 grams, राइट। तो 92 grams का ये बैडमिंटन रैकेट है। सो गाइज, अब बात करें यहाँ पर इस रैकेट की, तो बेसिकली आप देख सकते होंगे एक आइसोमेट्रिक शेप में ये बैडमिंटन रैकेट आपको मिल जाता है, जैसे कि वो देख के यहाँ पे पता चल रहा है, और वन पीस में एक बैडमिंटन रैकेट है, और काफ़ी सुंदर सा यहाँ पर देखने में इसकी जो डिज़ाइनिंग है वो बहुत अच्छी है, फर्स्ट लुक वाइज बहुत बढ़िया है। वन पीस में आइसोमेट्रिक शेप के साथ में एक अच्छी टेंशन के साथ में बैडमिंटन रैकेट मिलता है, तो एल्युमिनियम मटेरियल से रैकेट बना है, और जो कि देख के लग भी रहा है, और इसकी फिनिशिंग काफ़ी स्मूथ है, और टेंशन वाइज भी मुझे काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो चलो थोड़ा सा इसका प्लेइंग टेस्ट करके देखते हैं कि कैसा ये रैकेट परफॉर्म करता है, और उसके बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा। तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर इस रैकेट को यूज़ करने के बाद में मैं एक चीज़ तो कह सकता हूँ कि यस, दिस इज़ रियली अ गुड बैडमिंटन रैकेट। अगर हम बात करें प्राइस की, तो तकरीबन 900 रुपीज़ का ये आपको अमेजोन पे मिल जाता है, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके आप इसको ज़रूर से परचेज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ ग्रिप की क्वालिटी की, तो ग्रिप की क्वालिटी भी इन्होंने काफ़ी सही तो नहीं कह सकते, बट इट्स ओके ग्रिप दी हुई है, राइट। सो ग्रिप भी काफ़ी सही है इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो योनेक्स का ZR100 है, जो तकरीबन 600 रुपीज़ के आसपास आता है, और ये रैकेट 900 रुपीज़ के आसपास है, तो उससे इसका जब कंपैरिजन होगा तो ये रैकेट कौन सा रैकेट अच्छा परफॉर्म करेगा और कौन सा रैकेट बेटर निकलेगा, तो उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर से बनाऊंगा मैं कंपैरिजन की। तो आप कमेंट करके बताना कि योनेक्स ZR100 से इसका कंपैरिजन करें या नहीं, राइट, और भी कुछ रैकेट्स हैं जिनसे इनका कंपैरिजन करेंगे, आप कमेंट कर सकते हो, राइट। और इसके अलावा एड्रेनेक्स बाय फ्लिपकार्ट का जो R501 करके रैकेट है, उससे भी इसका कंपैरिजन ज़रूर से करेंगे। सो दोस्तों अब मैं फाइनली बात करता हूँ कि क्या आपको ये रैकेट परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो गाइज डेफिनेटली मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यस यू कैन गो फॉर इट, इट्स रियली अ ब्यूटिफुल
एंड अ ग्रेट बैडमिंटन रैकेट. पर्सनली इट्स रियली अ ब्यूटीफुल एंड अ गुड बैडमिंटन रैकेट. मुझे ये रैकेट काफ़ी अच्छा लगा, चाहे इसका लुक ले लें चाहे आप इसकी टेंशन ले लें. राइट, मैं आपको एक बार आवाज़ सुनवाता हूँ, देखो. For it, you can buy it. The links are in description below.